हेलो गाइस, ये 9 का वीडियो है, 9 तारीख का, जो हमारा का डिस्चार्ज डे था। करीब 5 बजे के आसपास हमारे को डिस्चार्ज मिला था, तो सुबह नॉर्मल रही है, नॉर्मल रहा हम लोग का सब कुछ। और हमारा उठने के साथ सब ब्रश व्रश किया उसने, रात में भी अच्छी नींद लिया था उसने। और थोड़ा दर्द वर्द की वजह से काफ़ी, मतलब मैं नहीं सो पा रही थी, क्योंकि मैं सेम स्ट्रेचर पे सोई थी समारा के साथ, क्योंकि उसको अकेले छोड़ नहीं सकते थे। फिर समारा जो सुबह उठी तो उसको इंजेक्शन दिया गया, वो पेन किलर का, जिससे उसको आराम, जल्दी आराम मिल जाए। तो वो बहुत अच्छे से चिल थी, तो सबसे पहले उसने वो सुनाया रामायण, बैक स्ट्रेट करो बेटा, अपर बॉडी को स्ट्रेट करो, उसने रामायण सुनाया। तो ये है समारा का चलने का रीजन, समारा को ओरियो चाहिए, इसलिए समारा खुद से चल रही है। आ जाओ कम, तो ओरियो को नंबर क्या पर चेक करो, 4 प्रेस को, अरे 1, यस स्कैन करो। जब ऑपरेशन वाले दिन शाम में सामान को चलाया जा रहा था अपने, तब उसने ये मशीन देख लिया था, और उसको डॉक्टर ने बोला था कल तुम्हें सुबह तुम जो चाहो वो तुम मिल सकता है तुमको उससे। तो एकदम आराम से आई लेने को अपना, कुछ ओरियो बर्बन और कुछ तो कुछ ले लिया उसने, बट वो कुछ खाती नहीं है, तो हम लोग उतना ज़्यादा माइंड करते भी नहीं है, सिर्फ उसको ख़रीदना रहता है। तो वो अपना कुछ कुछ लिए यहाँ पर, ये हमारा स्प्राइट, ओरियो, बर्बन, ये सारी चीजें मैंने लाए हैं। समारा यहाँ पे क्या एंजॉय कर रही है, अपना बर्बन बिस्किट। और आज समारा का डिस्चार्ज होगा, फिर समारा घर पे जाएगी, फिर खेलू चलेगा बोला। पापा और मेरा, समारा थोड़ा वॉक भी कर ली है। यहाँ पर समारा को आफ्टर ब्रेकफास्ट फ्रूट प्लेट दिए गए थे, जो समारा उसको लॉलीपॉप के जैसा बना करके मस्त अच्छे से एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर फिर से सिस्टर आई थी और उसके पल्स और बीपी वगैरह चेक कर रहे थे। मैं यहाँ पर काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि उसको फिर से यहाँ पर इंजेक्शन दिया गया था, तो वो काफ़ी दर्द में थी और काफ़ी वो रो रही थी, और मुझसे बार बार क्वेश्चन करती है कि मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे काफ़ी रोना आ रहा था उसकी बातें सुनकर। अब तो घर जाएगी, तुम सिर्फ यही सोचो बेटा कि अब मुझे घर जाना है, ये निकलेगा और घर निकले तो तुमको दर्द नहीं होगा। डोंट क्राई बेटा, स्लोली। हाँ बेटा, डोंट पुल माई हैंड, वो नहीं पुल करिए बेटा, सिर्फ वो स्टिकर जो है ना, वो गांठे कितना गीला किए हैं, पूरा बेडशीट गीला हो गया है। चिपिंग का मेडिसिन समारा रेडी हो गई है डिस्चार्ज के लिए, मैंने उसका कपड़ा भी चेंज कर दिया। और समारा अब घर जाने को एक्साइटेड है ना, बोलो मुँह से। मेरी बेटी जाएगी घर, मैं उसको घर लेके जाने वाली हूँ अभी, अब दोबारा हम हॉस्पिटल नहीं आने वाले हैं। ये सिस्टर उसे गाड़ी तक व्हीलचेयर से छोड़ने को आई थी। ये ऑपरेशन के दिन का बुक है, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, जो हॉस्पिटल में बिल्कुल कुछ भी फ्रूट बुक के ये सब कुछ अलाउ नहीं था, तो उन्होंने गाड़ी में ही रख दिया था। तो ये हमारा, आपने मुझे मेरे ऑपरेशन में ये फ्रांच गिफ्ट किए। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, कुछ 4:49 को हम लोग को डिस्चार्ज मिला था,
और वो अपनी कार से गए थे, तो फिर समारोह को लेकर आए, समारोह को पीछे सुला दिए थे अच्छे से। वो अपना बुक के काफ़ी इन्जॉय कर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके लिए बुक के आया है। और यहाँ हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। काफ़ी ट्रैफिक भी था क्योंकि ये टाइम मोस्टली ऑफिस से लोग निकलते हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक भी था। अभी 5 मिनट में हम लोग घर पहुँचेंगे। टाइम हो गया है 6:57। कुछ रास्ते में कुछ कुछ सामान लेना था तो हम लोग रुके हुए थे। और ये रही समारा, मेरे सपोर्ट में बैठी हुई है। वो काफ़ी टाइम से लेटी हुई थी, फिर उसको उसके शरीर में दर्द होने लगा, इसलिए मैं उसके मैं पीछे आ गई और मेरे सपोर्ट में वो बैठी हुई है। हाय, से समथिंग अबाउट योर ऑपरेशन। जब ऑपरेशन होने वाला था तो मुझे गोल वाला ने ब्राइजर लीडर लगाया, मुझे नींद आ गई, फिर ऑपरेशन किया गया, पता भी नहीं चला। अभी तुमको कहीं पेन है? बस हाथ में। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और ऐसे समारा रेस्ट कर रही है, अब इसी पोजीशन में रह सकती है, या तो लेटे हुए या तो इस तरह से बैठे हुए। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट भी आई और मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तुम डिनर प्रिपेयर मत करना, मैं लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। तो वो लेकर आई है 1, 2, 3, 4। अभी देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर मसूर के छोले थे, जो साबुत मसूर आता है उसके छोले, और दूसरे डब्बे में पनीर की सब्ज़ी और भिंडी का भुंजा, जो समारा के लिए स्पेशल था क्योंकि मेरी फ्रेंड को पता था कि समारा को भिंडी बहुत पसंद है। तो ये रहा समारा के ऑपरेशन का 3 दिन का हॉस्पिटल का वीडियो। अभी उसका घर पे मेरे को केयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।